हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक मैंने जो लिया है वो आप देख रहे हैं, क्या है? उपभोग और उपभोक्ता, मींस उपभोग एवं उपभोक्ता। कहने से तात्पर्य ये है, सबसे पहले वही मेथड कि जो भी नाम अपने सामने आता है, जो हमें आंखों में दिखाई पड़ता है, किसी भी चीज़ की व्याख्या करने से पहले ये जानना आवश्यक है फ्रेंड्स कि हमें सबसे पहले ये जानकारी लेना है कि उपभोग क्या है। पढ़ने का तरीका मैंने क्या बताया, कोई चीज़ रटने का मतलब नहीं है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रकार हैं, किस, अब जब आपको उसका मीन्स पता होगा तब आप क्या कर लेंगे, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, अपने शब्दों में उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर सकेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे उपभोग क्या है, दूसरी चीज़ देखेंगे उपभोक्ता क्या है। बात आती है उपभोग की, मीन्स उपभोग का मतलब है बहुत सबसे पहले व्यवहारिक भाषा में, उसके बाद बुकिस लैंग्वेज में। ओके, सबसे पहले हम अपनी भाषा में बताते हैं, हम घर में, बाहर, कहीं भी, किसी भी जगह हर चीज़ का उपयोग करते हैं। उपयोग करना ही अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग होता है। मीन्स अगर ये मार्कर है तो मार्कर का काम क्या है, इसका काम है लिखना, किसी भी चीज़ को लिखना, लेकिन ये है तो मार्कर। अब इस मार्कर का हम उपयोग कर रहे हैं किसके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए। इट मीन्स इस मार्कर का क्या हम उपभोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, बुकिश लैंग्वेज की, बुक के आधार पर अर्थशास्त्र की भाषा में इसको किस तरह से समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में हम समझते हैं क्या, आवश्यकताओं की संतुष्टि के, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रत्यक्ष रूप में होने पर ही वस्तु क्या कहलाती है, उपभोग कहलाती है। मीन्स हमें आपको पढ़ाना है, उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने के लिए हमें ये जरूरी है कि हमें मार्कर की आवश्यकता होगी, हमें बोर्ड की आवश्यकता होगी। ये दो वस्तुओं का उपभोग कब होगा, जब ऑफलाइन क्लास होगी। लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियोस, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जब ऑनलाइन वीडियो बनती तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि हमारे प्रत्यक्ष सामने किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो में से कैमरा भी होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, हमारी आवश्यकताओं। और जब हमारी आवश्यकताओं, ध्यान दीजिएगा, मैं हर वर्ड यहाँ पर लिख रही हूँ, आवश्यकता, आवश्यकता है क्या, मार्कर के। अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास मार्कर ना हो या चलना, ये मार्कर चलना तुरंत बंद हो जाए तो हमारी तब मुझे आवश्यकता होगी एक न्यू मार्कर की। लेकिन अगर वो न्यू मार्कर हमें नहीं मिलेगा तो क्या हमारी संतुष्टि हो पाएगी, नहीं संतुष्टि हो पाएगी। मीन्स आवश्यकताओं की संतुष्टि, समझ में आई बात, आवश्यकताओं। अब आप बुक की लैंग्वेज में भी आप कितनी आसानी से समझ रहे हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रत्यक्ष रूप से होने पर, आवश्यकताओं की अब जब संतुष्टि हुई तो हमें किसी चीज़ की अगर संतुष्टि होगी तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ हमारे प्रत्यक्ष रूप में, मीन्स हमारे सामने होगी, ठीक है ना, मीन्स क्या होगी, प्रत्यक्ष रूप में होगी। प्रत्यक्ष रूप में होने पर ही वस्तु का क्या हम कर सकेंगे, वस्तु का उपभोग कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, वस्तु का उपभोग कर सकेंगे। आई बात समझ में, क्या है ये, मीन्स हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हमारे पास, हमारे सामने जो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप में होंगी, जो प्रत्यक्ष रूप में होगी वो क्या होगी, वस्तु होगी, और वही वस्तु का हम उपयोग करेंगे, मीन्स उपभोग करेंगे, ठीक है, वो वस्तु ही, वस्तु का उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं किसकी, उपभोक्ता की। उपभोक्ता में क्या होता है, फिर से समझिएगा, उपभोक्ता क्या होता है, देखिए
उपभोक्ता का मतलब होता है, यही से समझिए, ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक। उपभोक्ता का हम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या, यूज कर रहे हैं, यही क्या है, उपभोग कर। लेकिन यूज कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है, यूज हम कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। अगर हम इसको, ये बहुत सिंपल सी भाषा में है कि उपभोक्ता कौन हुआ, उपभोक्ता जो पर्सन जिस वस्तु को यूज कर रहा हो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा अर्थशास्त्र की भाषा में जाके, थोड़ा सा हम स्पेशली जो हमारा टॉपिक है अपनी बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको यूज़ करते हैं तभी क्या कहलाता है, कि उपभोक्ता से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ पर वस्तुओं की उपलब्धता हो, और उपभोक्ता, उपभोग और उपभोक्ता मीन्स उपभोग के बिना उपभोक्ता का कोई मतलब नहीं, और उपभोक्ता और उपभोग के बिना उपभोक्ता का मतलब नहीं कोई, और उपभोक्ता के बिना उपभोग का मतलब नहीं है कोई। मीन्स अगर उपभोक्ता नहीं होगा तो वस्तुओं का उपभोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का उपयोग तो एक व्यक्ति ही करता है ना, जिसको और आवश्यकता किसकी होती है, एक पर्सन को होती है। वही चीज कहने का मतलब मेरा वही है फ्रेंड्स, कि ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कोरिलेटिव होते हैं जैसे कि एक साइकिल के चलते हुए दो पहिए। मीन्स अगर साइकिल का एक पहिया खराब है तो क्या होता है, एक ऑटोमेटिक नहीं चल सकता, कोई उसका यूज नहीं। ठीक उसी तरह से अगर उपभोक्ता नहीं है तो उपभोग का कोई मतलब नहीं, और अगर उपभोग की वस्तु नहीं है तो उपभोक्ता का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, मीन्स अगर हम बात करते हैं बाजार में, तो बाजार में क्या है, बाजार में ये उपभोक्ता, उपभोग और इसी के साथ साथ वस्तु, क्या वस्तु, तीनों ही चीजें क्या होती हैं, उपलब्ध होती है। कहने का मतलब अगर हम आपको सिर्फ और सिर्फ बताएं कि फ्रेंड्स बाजार क्या है, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन कर दें कि बाजार क्या है, बाजार क्या, तो आप क्या बताएंगे, बाजार नॉर्मली आप बताएंगे कि बाजार वो है भाई जहाँ पर सारी वस्तुएं होती हैं और उनका हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, मीन्स जिसको जो आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बाजार से ही वस्तुएं लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझें तो क्या होगा, क्या बताएंगे, बाजार क्या है, तो बाजार से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, ऐसे एरिया से है, ऐसी लोकेलिटी से है जहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें, कौन सी, ये तीनों चीज़ें उपभोक्ता, उपयोग, उपभोग और वस्तु, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर, एक ही जगह मीन्स बाजार में जहाँ उपलब्ध हो, वही क्या है, बाजार है। और जो व्यक्ति अपनी जरूरत, यही उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, बाजार। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये बहुत ही इजी था जिसको आपने समझा, बस मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप किसी चीज़ को रटे नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझे पहले व्यवहारिक लैंग्वेज में, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, किसकी, बाजार की। सबसे पहले बाजार की विशेषताएं, अभी आपको हम बाजार समझाना चाह रहे थे लेकिन डायरेक्ट अगर हम बताने लगते कि बाजार क्या है, बाजार की डेफिनेशन बताने लगते वगैरह वगैरह बताने लगते, शायद आप कंफ्यूज हो जाते और आपको उतने अच्छे से क्लियर ना होता। लेकिन बाजार मेन चीज किससे है, बीच से पढ़ाया, उपभोक्ता क्या है, उपयोग क्या है, जब यहाँ से उठाया तब आपको बाजार बताना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक एक ही लाइन में आपको समझा दिया। चलिए अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है ना, विशेषताएं मींस बाजार में
आप एक शब्द हम लोग और देखते हैं, क्या देखते हैं? क्रेता और विक्रेता, ये भी समझ लीजिए, क्रेता और विक्रेता। ध्यान दीजिएगा, क्रेता का मतलब क्या होता है? क्रेता का मतलब बायर्स, आप इसको क्या कर सकते हो, बायर्स कह सकते हो, मींस खरीदना, जो व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी खरीदनी होती, कपड़ा खरीदना होता है, कुछ भी खरीदना होता है, मार्केट जाते हैं, खरीदते हैं, मींस हम क्या है, क्रेता है। लेकिन जिससे खरीदते हैं, जिसके द्वारा खरीदते हैं, जिससे खरीदते हैं, मींस जो शॉपकीपर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रेता। इसको एक शब्द में और कह सकते हैं, सेलर, मींस जो विक्रेता होता है, जिसके द्वारा हम लोग वस्तुएं खरीदते हैं, वो क्या होते हैं, सेलर्स। आप ये कह सकते हो कि बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही पाए जाते हैं, क्रेता विक्रेता और वस्तु, और दोनों ही किस पर डिपेंड होते हैं, क्रेता भी वस्तु पर डिपेंड होता है और विक्रेता भी वस्तु पर डिपेंड होता है। कैसे, ये देखें, मान लीजिए आपको पता चला कि भाई कहीं पर बाजार लगी है, आपको हर रोज पता चलता है बाजार लगी है, आप क्या गए, आप गए बाजार में, आपको जो आपकी आवश्यकता है, जो आपको, जिससे आपको संतुष्टि होगी, वो आप क्या करने, परचेज करने गए। वहां पर आपने देखा कि भैया विक्रेता तो बैठा है, बट विक्रेता के पास किसी भी वस्तु का अभाव है, कोई वस्तु उसके पास नहीं है। तब ये क्रेता महोदय क्या करेंगे, ये क्रेता महोदय वहां से लौट आएंगे और वहां पर कोई उनकी एक्टिविटीज नहीं रहेगी। मीन्स वो किसके लिए जाते हैं, वस्तु के लिए जाते हैं, ना कि विक्रेता से मिलने जुलने जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि ये जो हम मार्केट में क्रेता और विक्रेता और वस्तु, ये तीनों ही चीजें पाई जाती हैं, जिसमें कि तीनों ही आपस में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, किसी एक की अनुपस्थिति के बिना, अगर विक्रेता ही है, उसके पास ढेर सारा सामान है और वहां पर कोई क्रेता नहीं पहुंच रहा, तो जो विक्रेता है वो दूसरे दिन से वहां से बोरिया बिस्तर हटा के अपने घर बैठ जाएगा, बोलेगा भैया वहां पर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई क्रेता नहीं आता, इसलिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, आपको हर चीज की आवश्यकता है, आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई विक्रेता नहीं है, और तब आप क्या करेंगे, तब भी आप बोलेंगे कि वहां तो विक्रेता ही नहीं, सामान लाएं तो कहां से लाएं। इट मीन्स तीनों ही क्या है, आपस में को रिलेटेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, एक दूसरे के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे, मेन चीज आ गए अपनी विशेषताओं पर, विशेषताओं पर। इसकी विशेषता क्या होती है बाजार की, बाजार की विशेषता होती है कि यहाँ पर क्रेता निश्चित रूप में पाया जाता है, मीन्स कमोडिटी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, क्रेता, ये इसकी विशेषता है कि बाजार में क्या, क्रेता पाया जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं उतनी देर से, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, दूसरी चीज हम देखते हैं कि वहां पर, कहां पर, बाजार की बात हो रही है, जहां पर क्या होता है कि क्षेत्र, कोई भी बाजार होगी, हर बाजार का क्या होता है, एक क्षेत्र निर्धारित होता है, एरिया निर्धारित होता है, और एरिया निर्धारित होने पर ही लोगों की क्या होती है, क्लियरिटी होती है। अगर क्षेत्र निर्धारित ना हो तो जिसका मन जहाँ पर आए वो वहाँ पर हर रोज सब्जी बेचे, हर रोज कपड़े की दुकान बदल ले, हर रोज सब कुछ कर ले। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि बाजार की विशेषता क्या होती है कि हर प्रत्येक बाजार का एक क्षेत्र निर्धारित होता है कि ये मार्केट यहाँ लगेगी, ये मार्केट यहाँ, किसके लिए, समाज के लिए। समाज में कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए इसका होना अति इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण, ये देखें इसमें क्या है, कीमत का निर्धारण हर बाजार में, कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, प्रत्येक चीज की कीमत निर्धारित होती है, क्योंकि ये भी किसके लिए, समाज में अव्यवस्था ना फैले,
समाज में अव्यवस्था ना फैले इसके लिए, ठीक है ना। तो कीमत जो निर्धारित की जाती है इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि विक्रेता जितने का मनाए उतने का बेच ले, इसका भी एक नियम होता है, हमारी जो संस्थाएं चला रही उनके द्वारा नियमों का निर्धारण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर बाजार में वहाँ का क्षेत्र और वहाँ की कीमत का निर्धारण होता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, कोई बिल्कुल से ही लोवेस्ट प्राइस में बेच ले तो कोई बिल्कुल से हाईएस्ट प्राइस में बेच ले, तब भी क्या होगी, हमारे जो समाज में, हमारे जो उस एरिया में, उस मार्केट में है, चीज़ों में क्या हो, अव्यवस्था हो, लोगों में क्या हो, मतभेद पैदा हो, ठीक है ना। बाकी विशेषताएं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ जो हमने आपको बताई, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, बाजार के भेद की, किसकी, बाजार के भेद। भेद का मतलब प्रकार, मीन्स बाजार कितने प्रकार का होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो देखिए बाजार के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वो हम सिर्फ पढ़ते हैं, बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ देखनी, अपने मतलब की चीज़ देखनी है। पहली चीज़ क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, आकार के आधार पर। बाकी फ्रेंड्स आपको बहुत सारे बाजार मिल जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो है, जो पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, वो चीज़ देखना है। तो सबसे पहले बात आती है स्थानीय बाजार की, क्या, स्थानीय बाजार, ओके। और दूसरा हम देखते हैं प्रांतीय बाजार। तीसरा हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय बाजार। और हम नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। आकार के आधार पर बाजार को कितने प्रकार का बताया गया, चार प्रकार का, पहला स्थानीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय, ओके। अब समझते हैं स्थानीय से मतलब क्या है। स्थानीय से मतलब फ्रेंड्स ऐसी चीज से है, ऐसी जगह से है, स्थानीय मीन्स जैसे हर रोज डेली यूज की चीज़ें जो हम लोग लाते हैं, लाइक सब्जी हो गया, या हमें कपड़ों की शॉपिंग करना है, ठीक है ना, इस तरह से जो हमारी स्थानीय बाजार होती, मीन्स हमारे जो नियरेस्ट अवेलेबल जो मार्केट होते हैं वो हमारे स्थानीय, मीन्स हम जहाँ, स्थानीय मतलब स्थान, आप जिस स्थान पर रह रहे हो उसके आसपास के जो, आपके आसपास जो भी मार्केट हैं, चाहे वो सब्जी की हो या कोई कपड़े की बाजार, इस तरह से, तो वो क्या होती है, स्थानीय बाजार होती है। अब अगर ऐसा ना हो, सिर्फ और सिर्फ अगर ये स्थानीय बाजार ना हो, तो हर पर्सन को अगर प्रांतीय बाजार करने हो तो सोचिए, व्यक्ति किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए उसको बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, और जितने की सामान नहीं उतने का तो सिर्फ आने और जाने में उसका पैसा ही खर्च हो जाए, ठीक है ना। तो ये स्थानीय बाजार सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये ऐसी बाजार होती है जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें, दैनिक जीवन में डेली उपयोग आने वाली चीज़ें हमें क्या होती हैं, स्थानीय मार्केट में क्या, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, प्रांतीय बाजार की, किसकी, प्रांतीय बाजार। अब प्रांत से मतलब क्या है, प्रांतीय बाजार जैसा नाम से ही पता चलता है कि अपने अपने प्रांतों में, जैसे कोई प्रांत होता है तो हर एक जगह की कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे हम अगर बात कर दें, मान लीजिए राजस्थान क्या है, एक प्रांत है, ठीक है ना। अब जैसे राजस्थान का क्या, बाटिक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, सॉरी बांधनी, क्या राजस्थान की बांधनी प्रसिद्ध है ना। अब बांधनी के अगर कपड़े मिले, ठीक है ना, बांधनी के अगर हमें कपड़े लेने या उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। बनारस की अगर हम बात करते हैं तो बनारस का क्या, बनारसी साड़ियाँ,
वहाँ की बहुत मीन्स लखनऊ की चिकनकारी, ये इस तरह की मीन्स प्रांत पर, जो स्पेशली प्रांत पर लगने वाली बाजार है, वहाँ की फेमस चीज़ें जो हमारे प्रत्येक प्रांत पर मिलती हैं, वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होती है, वहाँ की क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, हमारी प्रांतीय बाजार होती है, ठीक है ना। मीन्स ऐसी चीज़ें, देखिए अब आजकल क्या है, आजकल देख रहे हैं आप बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, जैसे हमें किसी भी प्रांत की प्रांतीय बाजार जैसे लगी तो वहाँ से लोग आते हैं और आने के पश्चात क्या करते हैं, अपने यहाँ जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं ना, एग्जीबिशन लगाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रांतों की चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रीय बाजार की। राष्ट्रीय बाजार क्या है, राष्ट्रीय बाजार मीन्स ऐसा बाजार जहाँ पर पूरे राष्ट्र में, ठीक है ना, पूरे देश में, जैसे पूरा भारत देश है, अब पूरे भारत देश में ऐसी चीज़ों का निर्धारण होता है, ऐसी कीमतों का निर्धारण होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल के तौर पर बताएं, जैसे गेहूं और चावल, कोई भी गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको खरीदने, तो यहाँ से जो कीमतों का निर्धारण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय, राष्ट्र के आधार पर हर जगह प्राइस एक जैसा होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्राइस होते हैं, और इसकी जो सप्लाई होती है, मीन्स जहाँ पर भी जिस भी प्रांत में इसकी अवेलेबिलिटी कम समझ में आती है, तो वहाँ पर प्रांत राष्ट्रीय के आधार पर क्या होती है, सेलिंग होती है इसकी, और अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यक्ति कहलाता है सारी चीज़। बाकी तो हम लोगों को जब राष्ट्रीय बाज़ार, यहाँ पर ये राष्ट्रीय बाज़ार लगती हैं, फिर उसके आधार पर हम लोग क्या अपने अपने स्थानों में ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से मतलब है ऐसा बाज़ार जहाँ पर कोई इस टाइप की वस्तु जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व लेवल पर, ठीक है ना, पूरे विश्व लेवल पर क्या हो, वो चीज़ उपलब्ध कराई जाती हो लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, सोना और क्या, चांदी। मीन्स आप देखते होंगे कि जब भी शेयर मार्केट, जो देखता होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता होगा, तो शेयर मार्केट जो क्या होता है, वो पूरी की पूरी क्या, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होती है। यहाँ पर शेयर क्या होते हैं, किसी एक पर्सनली एक राष्ट्र के लिए नहीं होता, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हमारी रियल वैल्यू होती हैं, ये क्या कि इनका जब भी शेयर से पता चलता है कि शेयर गिरा, तो वो सबके साथ होता है, सभी प्रांतों में, सभी राष्ट्रों में, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ये बाज़ार होता है जहाँ पर हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि हर एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा इसकी समस्याएं ले लेते हैं, किसकी, जो बाजार में समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब समस्याएं क्या होती हैं ये देखते हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये समस्याएं, जिसको हम आप सभी जानते हो, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले एक होता है, हम देखते हैं दोषयुक्त भार, दोषयुक्त भार और माप, ठीक है। दोषयुक्त भार और माप ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर मार्केट में आपने देखा होगा एक किलो का बाट, दो किलो का बाट, आधा किलो का बाट, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये बाट होते हैं। लेकिन मार्केट में क्या है, कुछ ऐसी फर्जी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे लोग बना के देते हैं जिसमें क्या होता है, कभी 10 ग्राम तो कभी 5 ग्राम, इस तरह से क्या होता है, वेट में कम हो जाता है। ये नापने से ही ले लीजिए, आप लोग अगर थोड़ा सा गाँव से बिलोंग करते होंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे जो लीटर होता है दूध का मापने वाला, वही लीटर किसी का फुल होता है, थोड़ा ज़्यादा दूध आता है, तो किसी में क्या होगा, 100 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही होता है क्या,
दोषयुक्त भार और माप, मीन्स गलत तरीके से उसका मापन किया जाता है, गलत तरीके से उसका भार मीन्स उसका वेट लिया जाता है, जिसमें हम लोगों को क्या लगता है सिर्फ 10 ही ग्राम कम है। अब आप सोचिए, अगर एक सेलर है वो प्रत्येक केजी में 10 ग्राम बचाता चला जाएगा, तो एट लास्ट क्या होगा, 10 पर्सन को जब तौल देगा तो सीधा सीधा उसका कितना 1 केजी आराम से उसका बचत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स अपने यहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। खासकर आपको बता दें कि आजकल मूंगफली बिकती है ना, मूंगफली वाले क्या करते हैं कि आपको 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरह से कम देते हैं। उनको लगता है, किस तरह से बोलेंगे, बोलेंगे मैडम आप 25 रुपये का कितना है, बोलेंगे 25 रुपये का हम आपको 250 ग्राम देंगे। आप बोलेंगे नहीं, हमको आप 25 का 250 मत दीजिए, 20 का 250 ग्राम दे। फिर क्या करते हैं, बोलेंगे, आप बोलेंगे कि चलो अच्छा ठीक है कर दो 25 का 250 ग्राम। उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा तौल दिया, तब वो बोलने लगते हैं क्या, अच्छा मैम थोड़ा सा 50 और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप हमें पूरा 30 दीजिए। इस तरह से वो करते करते क्या, आपको आपकी उसमें हर तरह से वो पैसे क्या होते हैं, कमाने लगते हैं। ये तो खैर एक बात की बात है, एग्जाम्पल के। दूसरी हम चीज़ बात करते हैं मिलावट की। ये फ्रेंड्स क्या है, मिलावट भी आपको बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे मार्केट में। आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ में मिलावट। देखिए, खोए में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में जैसे दाल में खेसारी दाल की मिलावट कर देते हैं, खोए में क्या है जैसे कि मैदा मिला दिया या सूखी बासी रोटी मिला दी, इस टाइप से मीन्स कोई ना कोई आप देखते हैं मिलावट। इसके लिए भी दोषयुक्त भार, मिलावट, ये जो भी हम आपको समस्याएं इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स कि ये समस्याओं से रिलेटेड, अभी हम आपको इसी से रिलेटेड अधिनियम बताएंगे, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि मिलावट से संबंधित जो अधिनियम चला गया वो कौन सा, दोषयुक्त भार और माप से रिलेटेड जो अधिनियम चला गया वो कौन सा, ठीक है ना, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, बढ़ती कीमतें, बढ़ती कीमतें, ये भी एक समस्या है। आजकल सभी शहरों में रहना चाह रहे हैं, गांव में कोई रहना नहीं चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता, स्वाभाविक सी बात है कि वस्तुओं में क्या होगा, कीमत में बढ़ोतरी होगी। और जब, और दूसरी चीज़ जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मौसम अब इस बार देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, उससे सब्जियाँ और सारी जो भी हमारी पैदावार थी वो कम हो गई। दूसरी चीज़, बढ़ती कीमतों के बाद क्या हुआ कि अब जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, वो जो हमारी सामग्री थी वो भी कम, कहने का मतलब ये बढ़ती कीमतों का कारण हमारा क्या, पर्यावरण भी हो सकता, पर्यावरण भी है इसका मेन, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ हम बात करते हैं निम्न स्तर की वस्तुएं, जब जब हमारे पास सामान की उपलब्धता कम होगी तब हमें क्या होगा, निम्न स्तर की वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है, उसमें सारे तरह के प्रोडक्ट्स मिला दिए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। तो वो जब किसी चीज़ में मिलावट हो जाती है तो वो निम्न स्तर की वस्तु हो जाती है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आप देखिए, भ्रामक विज्ञापन, क्या ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है भ्रामक विज्ञापन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, भ्रामक विज्ञापन में कि बताया कुछ और जाता है। आजकल देखिए किसी भी मॉल में कोई बोलेंगे सेल लगी है, इतने परसेंट का डिस्काउंट है, 2000 की परचेज करने पर 500 रुपये आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, आप जाइए खरीदिए फिर उसके विषय में आकलन करिए, तब बोलते हैं नहीं मैम 2500 की जब आप 250 के आप क्या करेंगे, जब दो बार सामान परचेज करेंगे तब 500 रुपये आपको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, ये बताया जाता है। मीन्स गलत तरीके से विज्ञापन दिया जाता है और लोग उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये आई होप दैट मोस्टली लोगों को ये चीज़ें अब इस समय फेस करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसके आगे जो भी और समस्याएं हैं या इनसे संबंधित जो अधिनियम चलाए गए हैं उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।